नाइतंगो ताबुक टीएमबी न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। प्रियो भाइयों बहन सबाई के नमस्कार। ज्योतनो खुलुमो, अगरतला के इस स्वामी विवेकानंद मैदान में जब भी आता हूं पहले से ज्यादा उत्साह नजर आता है। आप हर बार पिछला रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। आज नवरात्रि की महानवमी का पवित्र अवसर है। अभी मैं असम में मां कामाख्या की धरती से आया हूं और अब यहां माता त्रिपुरेश्वरी माता की बारी के चरणों में प्रणाम करने का अवसर मिला है। भाइयों बहनों, आज राम नवमी का पवित्र पर्व भी है। 500 वर्षों के बाद, लंबे इंतजार के बाद वो राम नवमी आई है जब भगवान राम अयोध्या में भव्य मंदिर में विराजमान है। प्रभु श्री राम जो कभी टेंट में रहते थे, आज भव्य मंदिर में सूर्य किरणों ने उनके मस्तक का अभिषेक किया है। और हमारा सौभाग्य देखिए, ऐसे पवित्र और ऐतिहासिक अवसर पर हम सभी नॉर्थ ईस्ट की इस पवित्र धरती पर हैं, जहां सूर्य की किरणें सबसे पहले पहुंचती है। आज सूर्य की किरणें देश के नए प्रकाश का प्रतीक बन रही है। आज देश विकसित त्रिपुरा, विकसित भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। मैं महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य जी और पद्म भूषण थंगा डारलोंग जी जैसे महापुरुषों की धरती त्रिपुरा को प्रणाम करता हूं। मैं सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, त्रिपुरा की जनता का ये समर्थन इस मैदान में जन सैलाब बता रहा है कि त्रिपुरा अब पीछे मुड़कर देखने वाला नहीं है। और मैं एयरपोर्ट से यहां आया, पूरे रास्ते भर जो उमंग उत्साह और जन सैलाब था वो दिखा रहा है त्रिपुरा का मूड क्या है, देश का मूड क्या है। बाबा गरिया की धरती पर
हमारी माताओं बहनों का इतना उत्साह, ये त्रिपुरा को ठगने वालों की नींद उड़ाने वाला है। त्रिपुरा जो सोच लेता है वो पूरा करता है, और त्रिपुरा ने सोच लिया है, फिर एक बार साथियों, 21वीं सदी के भारत को विकसित बनाने में नॉर्थ ईस्ट की बहुत बड़ी भूमिका है। आजादी के इतने दशकों में कांग्रेस के शासन उस दौरान नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के सामर्थ्य के साथ न्याय नहीं हुआ, और यहां त्रिपुरा में तो कम्युनिस्टों का शासन था। कम्युनिस्टों ने त्रिपुरा के लोगों को तबाह करने के अलावा कुछ नहीं किया। लेकिन आज दिल्ली में एक ऐसी सरकार है जो नॉर्थ ईस्ट और हमारे त्रिपुरा के बारे में लगातार सोचती है। नॉर्थ ईस्ट मेरे लिए पॉलिटिक्स का नहीं, प्रेम और प्राथमिकता का विषय है। इसलिए इस क्षेत्र में लोगों के जीवन से मुश्किलें कम हो, उन्हें रोजगार के ज्यादा से ज्यादा अवसर मिले, यहां की कनेक्टिविटी सुधरे, इस पर बीजेपी सरकार का विशेष जोर है। जल जीवन मिशन के तहत त्रिपुरा में 5 लाख से ज्यादा घरों में हमने नल से जल पहुंचाया है, बिना किसी कट, बिना किसी कमीशन के। त्रिपुरा के 2.5 लाख किसानों के खातों में किसान सम्मान निधि पहुंच रही है। हमारी सरकार ने यहां त्रिपुरा में 3 लाख से ज्यादा महिलाओं को गैस कनेक्शन देकर उन्हें धुएं से आजादी दिलाई। आज जनजातीय समाज के बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए एकलव्य मॉडल स्कूल जैसे काम भी बीजेपी ही कर रही है। आप कल्पना करिए, हमारे त्रिपुरा में जहां कुल आबादी ही कुछ लाख है, वहां मोदी के आने से पहले यहां लाखों लोग जीवन की जरूरी सुविधाओं से जूझ रहे थे, वंचित थे। ये केवल आपके आशीर्वाद से, मोदी के कामों का हिसाब है, इतना ही नहीं है। जब मैं सारे काम गिनाता हूं, इसका मतलब है ये कांग्रेस और लेफ्ट की विकास विरोधी राजनीति का आईना भी है। साथियों, आज आपके बीच आया हूं तो मुझे ये भी याद आ रहा है कि कैसे त्रिपुरा में पीएम आवास योजना कुछ स्थानीय नियमों में फंस गई थी। डेफिनेशन ही ऐसा कर दिया था कि कम्युनिस्ट पार्टी के अपने 100 लोग हों, उन्हीं को मदद मिले, जो सच्चे लाभार्थी है उनको मदद न मिले। त्रिपुरा की भौगोलिक स्थिति की वजह से यहां ज्यादा गरीबों को पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिलता था। उसके कारण कच्चे घर की परिभाषा ऐसी करके रखी थी कि उनके यार दोस्तों को फायदा मिले। जब मुझे इसका पता चला तो मैंने कहा, ऐसे तो नहीं चलेगा। हमने त्रिपुरा के लिए कच्चे घर की परिभाषा को सच्चे अर्थ में कर दिया। आज उसका ही नतीजा है कि त्रिपुरा में करीब 3.5 लाख पक्के घर यहां के लोगों को मिल सके हैं। अब भाजपा ने
संकल्प लिया है कि अगले 5 वर्षों में देश में 3 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे। इसका भी बड़ा लाभ मेरे त्रिपुरा के लोगों को मिलेगा। और मैं एक आपको काम बताता हूं, करोगे? करोगे? पक्का करोगे? जब आप लोगों से मिलने जाएं और आपको कहीं ये नजर आए कि कोई है कच्चे घर में रहता है, उसको पक्का घर नहीं मिला है, उनको कह देना मोदी की तरफ से कि मोदी की गारंटी है, ये दूसरे जो 3 करोड़ घर मिल बन रहे हैं ना, उसमें से उसको भी मिलेगा। ये वादा करके आ जाइए, आपका वादा है, मेरी जिम्मेवारी है, करके आइए। साथियों, इन 10 वर्षों में त्रिपुरा और नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए बीजेपी ने जो किया है ना, वो तो बस ट्रेलर है, ट्रेलर। अभी तो हमें त्रिपुरा को और भी आगे ले जाना है। बीजेपी ने अगले 5 वर्ष का जो संकल्प पत्र पेश किया है, वो त्रिपुरा के लोगों के लिए समृद्धि का काम करेगा। अगले 5 वर्ष हर लाभार्थी को मुफ्त राशन मिलता रहेगा, ताकि गरीब का चूल्हा जलता रहे, गरीब के बच्चे भूखे न रहे। और ये मोदी की गारंटी है। और एक बहुत बड़ी घोषणा बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में की है, इस घोषणा से सीधा लाभ परिवार के उन लोगों को पहले होगा जिनकी आयु 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल है, मेहनत करके कमाई करते हैं और परिवार में दादा है, दादी है, पिता है, माता है, बुजुर्ग है। मैं उन दोनों के लिए के वादा लेके आया हूं, आपके परिवार में जो 70 साल से ऊपर के हैं, कोई भी हो, त्रिपुरा का कोई भी नागरिक जो 70 साल से ऊपर का है, और अगर वो बीमार हो जाता है, गंभीर तकलीफ आ जाती है, तो अब उनके बच्चों को आप सबको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये मोदी उसका खर्चा करेगा, उनका इलाज, उनकी दवाई मोदी करेगा। और आपको इतने पैसे बचेंगे जो आपके और काम आ जाएंगे, और आपके माता पिता की तबीयत भी अच्छी हो जाएगी। ये हमने इस आयुष्मान योजना के तहत 70 साल से ऊपर के सभी महापुरुष महानुभावों के लिए, माताओं बहनों के लिए गारंटी दी है, मुफ्त इलाज मिलेगा। कोई गरीब, घर के बुजुर्ग हो, मध्यम वर्ग के हो या उच्च वर्ग के हो, हर बुजुर्ग को बीजेपी आयुष्मान योजना के दायरे में लाएगी। इसका बहुत बड़ा लाभ त्रिपुरा के लोगों को होगा, यहां के बुजुर्गों को होगा। साथियों, त्रिपुरा के विकास के लिए हमारी सरकार ने जिस हीरा मॉडल पर काम किया है, और अभी मुख्यमंत्री जी हीरा मॉडल की चर्चा कर रहे थे, आज उसकी पूरे देश में चर्चा हो रही है। हीरा यानी हाईवे, इंटरनेट वे, रेलवे और एयरवे, HIRA। ये मैंने आपसे वायदा किया था और इसे पूरा करके दिखाया है। आज त्रिपुरा में 3000 करोड़ रुपए की लागत से 4-लेन हाईवे का काम प्रगति पर है। वेस्टर्न अगरतला बाईपास का काम भी
अगले 2-2.5 वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य रखा है। त्रिपुरा को बांग्लादेश से जोड़ने के लिए 2-3 साल पहले मैत्री सेतु की शुरुआत की गई है। एक समय था जब त्रिपुरा में मोबाइल के सिग्नल भी ठीक से नहीं आते थे, लेकिन अब त्रिपुरा में 5G सेवाओं का भी विस्तार हो रहा है। और मैं आपको एक बात बताऊं, अगर दिल्ली में कांग्रेस की सरकार होती तो आपका मोबाइल बिल जो आज मोदी के राज में मोबाइल बिल 400-500 रुपये ही आता है, अगर कांग्रेस होती ना तो आपका मोबाइल का बिल 3-4 हजार रुपये से कम नहीं आता। ये काम मोदी करता है, लेकिन मोदी ने मोबाइल डेटा इतना सस्ता कर दिया है कि गरीब से गरीब भी मोबाइल पर इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहा है, और कोविड में गरीब के बच्चे भी मोबाइल से पढ़ाई कर रहे थे और किसी से पीछे नहीं छूटे। साथियों, रेलवे के विकास लिए बीते 10 वर्षों में त्रिपुरा को 1 दर्जन से अधिक ट्रेनों से जोड़ा गया है। राज्य की रेलवे लाइन्स के इलेक्ट्रिफिकेशन के काम को तेजी से पुराया कराया गया है। हमारी सरकार है राजधानी अगरतला में महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट पर नया आधुनिक टर्मिनल बनवाया। अब माणिक शाह जी की सरकार त्रिपुरा के विकास के लिए कदम और आगे बढ़कर हीरा प्लस मॉडल पर काम कर रही है। साथियों, पहले राजनीतिक पार्टियां और सरकारों को नॉर्थ ईस्ट की याद तभी आती थी जब उन्हें आपके वोट चाहिए होते थे। कांग्रेस और इंडिया अलायंस की सरकार में नॉर्थ ईस्ट के लिए केवल एक ही पॉलिसी चलती थी, लूट ईस्ट पॉलिसी। आपको याद है ना, उनकी पॉलिसी थी लूट ईस्ट पॉलिसी। लेकिन 10 साल पहले मोदी ने कांग्रेस कम्युनिस्टों के इंडी अलायंस वालों की लूट ईस्ट पॉलिसी को ताले लगा दिए, बंद कर दिया। अब देश लूट ईस्ट पॉलिसी को छोड़ करके एक्ट ईस्ट पॉलिसी पर काम कर रहा है। हम नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। मैं ऐसा पहला प्रधानमंत्री हूं जो पिछले 10 वर्षों में 50 से ज्यादा बार नॉर्थ ईस्ट आया हूं, जबकि कांग्रेस सरकार में कई मंत्रियों को ये भी पता नहीं होता था कि भारत के नक्शे में त्रिपुरा कहां पड़ता है। साथियों, आज त्रिपुरा के लिए बीजेपी का मतलब है विकास की राजनीति, लेकिन यहां कम्युनिस्टों का इतिहास रहा है विनाश की राजनीति। और कांग्रेस का तो ट्रैक रिकॉर्ड ही है करप्शन की राजनीति। जब तक त्रिपुरा में सीपीएम और कांग्रेस पक्ष विपक्ष में रहे, यहां करप्शन फलता फूलता रहा। कम्युनिस्टों ने त्रिपुरा को हिंसा और भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया था। तब कांग्रेस विपक्ष में थी, लेकिन आज एक दूसरे को गाली देने वाले यही लोग अपनी लूट की दुकान बचाने यहां एक साथ आ गए हैं। साथियों, ये कांग्रेस कम्युनिस्ट इतने अवसरवादी है, यहां त्रिपुरा में इनका गठबंधन है, लेकिन केरला में ये लोग एक दूसरे के जानी दुश्मन है। केरल में कांग्रेस कम्युनिस्टों को कांग्रेस पार्टी वाले रोज वहां भाषण में कम्युनिस्टों को आतंकवादी कहते हैं और कम्युनिस्ट कांग्रेस को महाभ्रष्ट कहते। आप वहां के अखबार देख लीजिए, यही बोलते।
साथियों, करप्शन को लेकर ये देश के साथ कैसे खेल खेलते हैं, ये भी त्रिपुरा की धरती से पूरे देश को बताना चाहता हूं। सब जानते हैं, कांग्रेस के युवराज यूपी में चुनाव हारने के बाद अपनी इज्जत बचाने के लिए केरला भाग गए थे। अब इन दिनों वो वहां केरला के मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के युवराज के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। इससे नाराज होकर कांग्रेस के युवराज ने कहा है कि केरला के सीएम भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, उनको जेल में डालना चाहिए। हमेशा केंद्रीय एजेंसियों को गाली देने वाले युवराज अब उनसे केरला के सीएम के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। यानी किसी ने उनकी आलोचना की तो कांग्रेस के युवराज चाहते हैं कि उसे जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया जाए। भ्रष्टाचार का दोषी कोई भी व्यक्ति छोड़ा नहीं जाएगा, यह हमारा संकल्प है। मैं बार बार केरला सीएम की भ्रष्ट सरकार का सच लोगों के सामने लाता हूं, लेकिन तब कांग्रेस की बोलती बंद हो जाती है। अब कांग्रेस के युवराज की आलोचना हुई तो कांग्रेस केरल के सीएम को जेल में डलवाना चाहती है, लेकिन साथियों वहां तो जेल में डलवाना चाहते हैं और यहां महल में भेजना चाहते हैं, ये कौन सा तरीका है? लेकिन साथियों, जैसे ही कोई जांच एजेंसी कार्रवाई करेगी, यही कांग्रेस चीख चीख कर कहना शुरू कर देगी कि मोदी ने गलत किया है। यही है इन लोगों का असली चेहरा। इसलिए जब मैं कहता हूं भ्रष्टाचार हटाओ तो कांग्रेस कहती है भ्रष्टाचारी बचाओ। साथियों, अब लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी को दिया एक भी वोट, आप लिख के लिखिए, अगर कांग्रेस को आपने एक भी वोट दिया, कम्युनिस्टों को एक भी वोट दिया, तो केंद्र में सरकार नहीं बना सकता, आपका वोट बेकार जाएगा। और इसलिए आपका वोट बीजेपी की सरकार बनाएगा, एक गारंटी है। बीजेपी एनडीए को दिया हर वोट विकसित भारत बनाएगा। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि 19 अप्रैल को आप त्रिपुरा वेस्ट सीट से भाजपा उम्मीदवार मेरे मित्र विप्लव कुमार देव जी और फिर 26 अप्रैल यानी दूसरे चरण में त्रिपुरा इस सीट से भाजपा उम्मीदवार महारानी कृति सिंह देव वर्मा जी को, दीदी रानी को भारी मतों से विजयी बनाए। बीजेपी को दिया आपका एक एक वोट त्रिपुरा की समृद्धि के लिए मोदी की गारंटी को मजबूत करेगा। तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलोगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलोगे, घर घर जाओगे, पोलिंग बूथ जीतोगे, भारी मतों से जीतोगे। मेरा एक काम करोगे, घर घर जाना है, सबको बताना है कि अपने मोदी अगरतला आए थे और आप सबको प्रणाम पहुंचाया है। मेरा प्रणाम पहुंचा देंगे, हर किसी को मेरा प्रणाम पहुंचा देंगे। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।